मोड्यूल 52 टू कॉन्स्टेंट्स ऑन सप्लाई रिस्पॉन्सेज हम एग्रीकल्चरल आउटपुट की बात करते हैं तो एग्रीकल्चरल आउटपुट को सप्लाई करने पे कुछ बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कॉन्सटेंट्स भी होंगे अब जब आप बायोलॉजिकल एंड फिजिकल कॉन्स्टेंट्स की बात करोगे तो वो क्या करेगा इट विल लिमिट दी सप्लाई रिस्पॉन्स बिकॉज ऑफ चेंज इन अदर फैक्टर्स फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं लाइफ स्टॉक आउटपुट ऑफ ब्रीडिंग हर्ड्स की तो वहां पे आउटपुट ऑफ ब्रीडिंग हर्ट इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ ब्रीडिंग हर्ट अब उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं हमने यहां पे एक लिखी है कि एच टी के इन टू बी टी एच यहां पे बेसिकली डिनोट कर रहा है आउटपुट ऑफ ब्रीडिंग हर्ट हां जी किस चीज का ये फंक्शन है दिस इज अ फंक्शन ऑफ साइज ऑफ ब्रीडिंग हर्ट और स्मॉल के मेरे पास इंडिकेट कर रहा है नंबर ऑफ 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 स्प्रिंग्स पर आउटपुट ऑफ ब्रीडिंग हर्ड इज फंक्शन ऑफ साइज ऑफ ब्रीडिंग हर्ड के नंबर ऑफ कॉ बोर्न इन टी इज लिमिटेड इन हर्ड इन दैट पर्टिकुलर ईयर जब हम इसी कॉन्स्टेंट ऑन सप्लाई रिस्पॉन्स की बात करें अगेन वी आर यूजिंग एन आइडेंटिटी हांजी वो आइडेंटिटी मेरे पास किस चीज को डिनोट कर रहा है के जी साइज ऑफ ब्रीडिंग हर्ड ऑफ कोस इन टाइम पीरियड टी प्लस वन इज इक्वल टू साइज ऑफ ब्रीडिंग हर्ड इन टाइम पीरियड टी प्लस बीटी क्या है बीटी बेसिकली इंडिकेट्स नंबर ऑफ हेफर्स एडेड इन टाइम पीरियड टी हाँ जी हेफर्स क्या है दीज आर दंग कॉस दैट कैन कैरी आउट ब्रीडिंग और सीटी मेरे पास क्या है

हाँ जी आप उस अगर इफ यू आर यूजिंग ऑल दी कल्टीवे कल्टिवेबल लैंड फॉर द प्रोडक्शन मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जो भी प्रोड्यूस हो सकता है फार्मर आर प्रोड्यूसिंग दैट क्वांटिटी ऑफ आउटपुट जी उससे ज्यादा तो कल्टिवेबल लैंड ही नहीं है तो सप्लाई में क्या इंक्रीज आएगा अगेन क्या है कि देयर इज अ मैक्सिमम कैपेसिटी दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग अवेलेबल रिसोर्सेज हाँ जी अब जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज हैं वहां पे फार्मर की डिसीजन मेकिंग किस चीज की हो सकती है ही कैन मेक अ डिसीजन अबाउट द चॉइस ऑफ क्रॉप्स हाँ जी किस लैंड पे कौन सी क्रॉप कल्टीवेट करनी है वो डिपेंड करेगा अपॉन द अपॉन द क्लाइमेट एंड क्वालिटी ऑफ द साइल हाँ जी अगर कॉटन जिस एरिया में ग्रो की जा रही है और हम कहें कि जी कॉटन राइस एरिया में हम ग्रो कर लें तो ऐसा फिजिबल नहीं होगा कॉटन कैन नॉट बी ग्रोन इन राइस ग्रोइंग एरिया क्यों नहीं ऐसा हो सकता जी वो क्लाइमेट ही कॉटन की ग्रोथ के लिए फिजिबल नहीं है अब अगर हम एग्री अगर मैं इस सारे को समराइज कर दूं तो मुझे क्या इंडिकेट कर रहा है कि विद रेफरेंस टू सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटीज देयर इज ऑलवेज अंस्टेंट ऑन सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चरल कमोडिटी वो सब कहां पे आएगा